भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की आज पुण्यतिथि है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता है। आज हम उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। 2 फरवरी 1922 को लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में इनका जन्म हुआ था। मात्र 14 साल के उम्र में बाबू केडी सिंह हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए थे। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के साथ केडी सिंह को इस खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 1948 और 1952 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। वो खेल को लेकर इतने सजग थे कि माँ के दाह संस्कार के तुरंत बाद हाथों में हॉकी स्टिक लेकर ग्राउंड में पहुंच गए थे। बाबू केडी सिंह की अनेकों उपलब्धियां हैं। उन्हें 1952 में दुनिया का सबसे बेस्ट हॉकी प्लेयर चुना गया था। 1958 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। यही नहीं, उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है गोल्ड। बाबू केडी सिंह का यूपी के लखनऊ से खास नाता रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो खेल का प्रारूप दिख रहा है उसमें केडी सिंह का अहम योगदान है। उस समय उन्होंने ही उत्तर प्रदेश खेल परिषद का गठन करवाया था। 1974 में प्रदेश में बने पहले खेल निदेशालय का उनको निदेशक बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महज 16 साल के उम्र में ही वो यूपी टीम के कप्तान बन गए थे और अंततः 27 मार्च 1978 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके निधन के बाद शहर के सेंट्रल स्टेडियम को केडी सिंह स्टेडियम का नाम दिया गया। आज वो लाखों खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है कि लखनऊ में केडी सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अगली वीडियो के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।